क्या है पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गियों को अंडे या फिर मांस के लिए पालना। जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं, उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है, लेकिन अंडे देने वाली मुर्गियां इनसे अलग होती हैं। एक मुर्गी औसतन एक साल में 180 से लेकर 250 अंडे दे देती है, लेकिन इसमें मुर्गियों की कई वैरायटी आती है। कुछ मुर्गियां हर दिन अंडा देती हैं, तो कुछ दो या तीन दिन के बाद। ये उनकी ब्रीड पर निर्भर करता है। अंडे से निकलने वाले चूजे 4 से 5 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू कर देते हैं। ये मुर्गियां लगभग 3 साल तक अंडे देती हैं, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गियां अंडे नहीं देती। इन्हें केवल मांस के लिए ही पाला जाता है और सप्लाई किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए प्लान। बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। यानी आप क्या काम कैसे और कितनी लागत में कहां पर खोलेंगे, इस सब के लिए तैयारी करनी होगी। पोल्ट्री फार्मिंग में भी आपको ये योजना बनानी पड़ती है। अपने पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको भी अपने बिजनेस के लिए एक टारगेट सेट करना पड़ता है। कहां कहां आपका पैसा खर्च होगा और शुरू में आप कितनी मुर्गियों के साथ इस बिजनेस को शुरू करेंगे, इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। साथ ही अगर आप केवल अंडे सप्लाई का ही काम करना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से मुर्गियों का चयन करना होगा। लेकिन अगर आप मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गियां पालते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी और उस हिसाब की मुर्गियां आपको रखनी होंगी। लेकिन आप चाहें तो दोनों की तरह की मुर्गियां अपने फार्म में रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने मुर्गी फार्म की मिनिमम प्रोडक्टिविटी भी तय करनी होगी। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस का विश्लेषण। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए मेहनत काफी जरूरी है। यह आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आपका काम कितना सफल होता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में पहले तो बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने पास के पोल्ट्री फार्म में जाकर उनके मालिक से जानकारी ले सकते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान से जानकारी ले सकते हैं जिसने ये काम किया हो। आप उनसे बिजनेस कैसे करना है इस बारे में जान सकते हैं। साथ ही सस्ती मुर्गियां कहां से खरीदनी है और कहां अपना सामान बेचना है, ये सब जानकारी जुटा सकते हैं। भले ही आप उनके हिसाब से काम ना करें, लेकिन उनसे क्या पता आपको कुछ जरूरी जानकारी मिल जाए, तो आपकी कुछ मदद हो सकती है। इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए बजट। किसी भी बिजनेस की शुरुआत आपके बजट पर निर्भर करती है। पोल्ट्री फार्म भी आपके बजट पर ही डिपेंड करता है। इसे आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कर सकते हैं। अगर आप कम मुर्गियों के साथ पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का बजट लेना पड़ेगा। फिर आप समय के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं और मुर्गियों की तादाद के साथ ही उनकी जगह में भी विस्तार कर सकते हैं। आपके बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट के आधार पर आप इसे बढ़ाएंगे, तो आपके बजट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपको प्रॉफिट भी अधिक होगा। हालांकि मीडियम साइज के फार्म को खोलने के लिए आपको 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि इसमें जगह भी ज्यादा चाहिए होगी और आपको इसमें मुर्गियां भी अधिक रखनी होंगी। आप चाहें तो सरकारी बैंक या फिर जिला सहकारी बैंक से अपने बिजनेस के लिए ब्याज सब्सिडी का लोन ले सकते हैं। आज के समय में सरकार आसानी से इन कामों के लिए सब्सिडी वाले लोन उपलब्ध कराती है। फार्मिंग के लिए जगह का इंतजाम। आप कितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं और उसे किस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी जगह का चयन करना होगा। अगर आप 150 के लगभग मुर्गियों के साथ ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको 150 से लेकर 200 फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। यानी अमूमन एक मुर्गी 2 से 2.5 वर्ग फीट की जगह लेती है। अगर आपकी जगह इससे कम हुई, तो मुर्गियों की परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर शेड बना रहे हैं या फिर जहां मुर्गियों को रख रहे हैं, वो जगह साफ सुथरी और खुली हो। इससे उनके बीमार होने के आसार कम हो जाएंगे। मुर्गियों की जगह खुली होने के साथ ही सुरक्षित भी होनी चाहिए। खुली जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि खुली हवा में हवा मिलती है और इससे आपकी मुर्गियां बीमार नहीं होंगी। साथ ही जगह ऐसी होनी चाहिए या फिर मुर्गियों का शेड या पिंजरा इतना मजबूत होना चाहिए जहां कोई बिल्ली, कुत्ता या फिर मुर्गियों को मारने वाला मांसाहारी जानवर ना घुस पाए। ऐसे में आपकी मुर्गियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। मुर्गियों के साथ आपको काफी सावधानी बरतनी होगी। जैसे आपको शेड में पानी की व्यवस्था अच्छी रखनी होगी, मुर्गियों को देने वाले दाने अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसके साथ ही मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीले में रखने से मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। आप चाहें तो अपने घर के आसपास या फिर अपने शहर के बाहर इस काम को कर सकते हैं। कई शहरों में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको सरकार या फिर संबंधित ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें आपके पोल्ट्री फार्मिंग के आसपास रह रहे लोगों से NOC भी लेनी पड़ती है। कितने प्रकार की होती हैं मुर्गियां? अगर आप मुर्गियों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कितने तरह की मुर्गियां होती हैं। मुर्गियां 3 तरह की होती हैं, जिसमें लेयर मुर्गी, देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी शामिल है। लेयर मुर्गी को अंडों के लिए ज्यादा पाला जाता है। ये 4 से 5 महीने में ही अंडे देना शुरू कर देती हैं। ये मुर्गी लगभग 1 साल से 1.25 साल तक अंडे देती हैं। इसके बाद जब इनकी उम्र 1.5 साल के ऊपर हो जाती है, तो इन्हें मांस के लिए बेच दिया जाता है। देसी मुर्गियों का इस्तेमाल भी अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। अक्सर इनके अंडे दूसरी मुर्गी के हिसाब से थोड़े महंगे बिकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी का उपयोग केवल मांस के लिए होता है। कारण ये है कि दूसरी मुर्गियों की तुलना में काफी तेजी से बड़े होते हैं।
यही कारण है कि इनको मांस के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। आप किस तरह की मुर्गी पालना चाहते हैं और किस तरह की मुर्गी से किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से चूजे को खरीदें। पोल्ट्री के लिए चूजों को कहां से खरीदें? अगर आपने जगह और मुर्गियों का चयन कर लिया है तो आपको अब चूजों को खरीदने की जरूरत है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए चूजों का महत्व काफी ज्यादा है। इसके बिना आप पोल्ट्री का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, इसलिए आप जहां से भी इन चूजों को मंगा रहे हैं वहां पहले खुद जाकर इन्हें देख लें। ध्यान रखें कि कोई चूजा बीमार ना हो। मुर्गियों के काम में यही है कि अगर एक मुर्गी बीमार हो गई तो तभी सभी बीमार पड़ जाती हैं, और अगर इनकी देखभाल नहीं की गई तो एक एक करके ये मरने लगती हैं। इसलिए आपको यही सलाह है कि आप अपने शहर या एरिया के एक्सपर्ट से ही इन चूजों को खरीदें या सप्लाई कराएं। अक्सर ये चूजे 30 से 35 रुपए तक का आसानी से मिल जाते हैं, और अगर आप शुरू में 100 चूजे भी मंगवाते हैं तो आपके एरिया के हिसाब से 3000 से लेकर 3500 तक पड़ेंगे। मुर्गियों को खाने के लिए क्या दें? मुर्गियों के चूजे खरीदने के बाद उनके खाने का भी इंतजाम आपको करना होगा। आप चाहें तो मुर्गियों को अलग अलग तरह का दाना दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने चूजों को अच्छी क्वालिटी का दाना देना चाहते हैं तो उन्हें अलसी या मक्का दे सकते हैं। ये दोनों ही चूजों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे हैं। कोशिश करें कि इन्हें हर समय दाना ना दें। ज्यादा खाने के कारण मुर्गियों का वजन बढ़ने लगता है और कभी कभी ये बीमार पड़ जाती हैं। कोशिश करें कि मुर्गियों को खाना रात में नहीं बल्कि दिन में दें। अगर इनका डाइट अच्छी रही तो ये चूजे 40 से 50 दिनों में 1 किलो तक के वजन वाले हो जाते हैं। इसके साथ ही आप इनके पानी का इंतजाम भी अच्छे से करें। हमेशा साफ पानी मुर्गियों को दें और समय समय पर पानी के बर्तन को साफ करते रहें। मुर्गियों की सप्लाई कैसे करें? पोल्ट्री फार्म का असली और आखिरी काम है अपने सामान को मार्केट में सप्लाई करना। अगर आप मुर्गियों के अंडे बेचते हैं तो आपको इसमें 4 से 5 रुपए तक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मुर्गी मांस के लिए बेचते हैं तो आपको इसके पैसे मुर्गी के वजन के हिसाब से मिलते हैं। जैसे अक्सर डीलर जिंदा मुर्गी ही मार्केट में देते हैं, जो 1 किलो लगभग 75 से 80 रुपए तक बिकती है, और जब शादी या फिर कोई बड़ी डील आती है तो यही मुर्गी 100 से लेकर 120 से 130 तक बिक जाती है। मुर्गी पालने से होने वाला लाभ। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले उसमें लागत और लाभ के पैसों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। मुर्गियों के अंडे और मांस की मांग पूरे साल रहती है। हालांकि इस समय के और सीजन के हिसाब से महंगे सस्ते होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई घाटे का काम है। 4 महीने में एक चूजा अंडा देने लगता है। हर अंडे में 3 रुपए की लागत आती है और मार्केट में ये 4.5 रुपए तक बिक जाता है। ऐसे में एक अंडे से आपको लगभग 1.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही मांस के लिए बिकने वाली मुर्गियों में भी है। इसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। कितने समय बाद चूजे बड़े होकर अंडे देने लगते हैं और कैसे हम इनसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं? अमूमन 3 से 4 महीने में एक चूजा अंडा देने लगता है। हर अंडे में 3 रुपए की लागत आती है और मार्केट में 4.5 रुपए तक अब बिक जाता है। ऐसे में एक अंडे से आपको लगभग 1.5 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।